नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से सांसद आजम खान की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। आजम खान पर अब एक नई मुसीबत आ गई है। पहले से ही कई मुकदमों की मार झेल रहे आजम खान, अब एक नया मामला दर्ज होने से कहा जा रहा है कि यह मामला बिजली चोरी का है। दरअसल रामपुर प्रशासन को आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट में बनी पानी की टंकी के बारे में शिकायत मिली थी। जब प्रशासन टंकी की जांच करने पहुंचा तो उन्होंने देखा कि पानी की टंकी से जो पानी सप्लाई होता है वो सिर्फ रिजॉर्ट के लिए ही इस्तेमाल होता है, जबकि टंकी का निर्माण सरकारी पैसे से किया गया था। इस पानी की टंकी को लेकर बिजली सप्लाई के लिए जो कनेक्शन दिया गया था वो भी नियमों के विरुद्ध लिया गया था। इस मामले में कोई भी बिजली का बिल अभी तक जमा नहीं किया गया, जिसकी जानकारी मिलते ही नगर निगम और प्रशासन के अधिकारियों ने बिजली विभाग को सूचित किया और मानकों के अनुरूप कनेक्शन को ना होने के चलते रिजॉर्ट में आ रही बिजली के तार को भी काट दिया गया। उप जिला अधिकारी के मुताबिक रिसोर्ट में पानी की टंकी से अवैध ढंग से पानी की सप्लाई की जा रही थी, जिसकी जांच के लिए जल निगम के इंजीनियर और अधिकारी वहां पहुंचे थे, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। इस बारे में इलाके के लोगों और किसानों ने भी शिकायत की थी कि सरकारी पैसे से बनाई गई टंकी को सिर्फ रिजॉर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आम लोगों को उसका पानी नहीं दिया जाता। आपको बता दें कि टंकी का निर्माण पूर्णतः सरकारी धन से किया गया है और जनमान्य की सुविधा के लिए किया गया था, जिसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ आजम खान के रिसोर्ट के लिए किया जा रहा है। वहीं मौके पर पहुंचे अधिकारियों और को आजम खान के हमसफर रिसोर्ट में बिजली चोरी के लिए जाने के पुख्ता सबूत मिले, जिसके बाद प्रशासन ने इस मामले में बिजली विभाग को सूचित किया और मानकों के अनुरूप ना मिलने पर रिसोर्ट में आ रही बिजली के तार भी काट दिए गए। इस पूरे मामले में उप जिलाधिकारी पीपी तिवारी ने बताया कि हमें सफर रिसोर्ट में बनी टंकी के संबंध में यह शिकायत हुई थी कि रिसोर्ट में बनी टंकी से अवैध ढंग से पानी का सप्लाई रिसोर्ट में किया जा रहा है, जिसकी जांच के लिए जल निगम के अभियंता अधिकारी के साथ हम यहां पहुंचे। अब यह देखने वाली बात होगी कि इस पानी की कनेक्टिविटी वैध है या अवैध, इस बारे में नगर पालिका के द्वारा जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। इसके अलावा नलकूप विभाग 2 ट्यूबवेल रिसोर्ट में लगे हैं, जिनको किसानों की जमीनों की सिंचाई के लिए लगाया गया था। इस संबंध में यह देखना होगा कि किसानों की सिंचाई उससे हो रही है या नहीं, यह केवल रिसोर्ट के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। प्रथम दृष्टिता देखने पर यह मालूम पड़ा कि आसपास के लोगों और किसानों द्वारा बताया गया कि उन्हें यहां से पानी नहीं मिलता है। अब जांच के उपरांत ही इस संबंध में पता चलेगा कि इसका पानी रिसोर्ट को जाता था या किसानों की सिंचाई के लिए मिलता था। इस संबंध में विभाग द्वारा FIR दर्ज करवाई जाएगी। फिलहाल रिसोर्ट की बिजली काट दी गई है और इस संबंध में मामला दर्ज करवा दिया गया है। जी अर्जुन साहब, जी क्या मामला है, हम सफर पे छापा मारा है। ये हम सफर के संबंध में ये शिकायत हुई थी कि यहाँ पर जो पानी की टंकी है उसका अवैध ढंग से पूरा पानी सप्लाई इनके यहाँ हो रहा है हम सफर में, तो उसी की जाँच के लिए हम लोग जल निगम के एक्सीएन साहब को लेकर हम आए थे, तो उन्होंने इसकी जांच की है। अब इसका ये देखना है कि इस पानी की कनेक्टिविटी वैध है या अवैध है, ये अभी नगर पालिका से दिखवाने के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। दूसरी बात थी, यहाँ नलकूप विभाग का ट्यूबवेल लगा हुआ है, तो उस ट्यूबवेल को लगाया गया है किसानों की सिंचाई के लिए, तो उसको ये देखना था कि उसमें किसानों की सिंचाई उससे हो रही है या वो केवल हमसफर रिसोर्ट में ही उसका पानी सप्लाई हो रहा है। तो अभी तो प्रथम दृष्टया जो है, जो अगल बगल किसानों से पूछा गया और चीज़ें, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि हमको यहाँ से पानी नहीं मिलता है, तो इनके सारे रिकॉर्ड मंगाए गए हैं। अब उस रिकॉर्ड की जांच के बाद ये क्लियर हो जाएगा इनका पानी काश्तकारों को जाता था या खाली इसी हमसफर रिसोर्ट भर में जाता था। मतलब बिजली चोरी वाला, बिजली चोरी का तो इन्होंने केबिल एक डाल रखा था, वहाँ से प्रॉपर कनेक्शन नहीं है इनका, और जो ये जितना लोड इनका है उस हिसाब से इनकी कनेक्टिविटी नहीं है, तो उस हिसाब से फिर SDO साहब आए थे बिजली वाले, इन्होंने अपना उसमें अवैध पाया है, उस तरह की बिजली की चोरी हो रही है यहाँ पे, तो उसके संबंध में ये अपना FIR पंजीकृत करें। सर बिजली चोरी, बिजली काट दी गई है सर? बिजली काट दी गई है और उसकी अभियोग पंजीकृत किया गया है। कहाँ की बिजली काटी सर? हम सफर रिसोर्ट। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।